साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? आज मैंने आपका ये खूबसूरत जो एंजल का ड्रेस है वो मैंने पहना है और मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ नाज़रीन कि बहुत आसान होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ तफरी करना, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते हैं और ताहिर शाह उनमें से है जिन्होंने हम सब के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी। ताहिर शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और आज ये सब आपके लिए, इधर है ना, आप पर फूलों की पत्तियां निचार, मुझ पे क्यों हो रही हैं? ये सब ताहिर शाह साहब के इस्तकबाल है और इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस तरह भी रोशन किया है कि ट्रेंडिंग में, चाहे वो ट्विटर की ट्रेंडिंग हो, चाहे वो पूरी दुनिया में रैंकिंग हो, जब इनका ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो पूरी दुनिया ने उसको न सिर्फ सुना बल्कि सराहा। उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट क्या है ताहिर शाह साहब हमें बताएंगे। पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये जब तक आपकी भरपूर तालियां नहीं होंगी हमें कैसे पता चलेगा कि ताहिर शाह साहब यहाँ हैं। ताहिर शाह साहब के बारे में मैं एक दो बातें और बता दूँ अगर आप इजाजत हो। प्रोफेशन के एतबार से ये बिजनेसमैन है मगर गुलूकारी में जब कदम रखा तो सबको पीछे छोड़ दिया। 2013 में इनका पहला गाना मंजर-ए-आम पर आया जिसने सोशल मीडिया में धूम मचा दी और पूरी दुनिया में ये एक सेंसेशनल पॉप स्टार के तौर पर मशहूर हो गए। और अब हाल ही में जब इनका दूसरा गाना रिलीज हुआ जिसने इनकी शोहरत को चार चांद लगा दिए, हॉलीवुड की जेर तकमील फिल्म में भी इनका पहला गाना शामिल किया जा रहा है। और मैंने पिछले कई साल पहले की बात है जब तशरीफ लाए थे तो कुछ ऐसा तासुर गया था कि गोया ताहिर शाह साहब के साथ कोई बुरा सलूक हुआ है, तो आज मैंने उस तासुर को रद्द करने के लिए और उस मोहब्बत को जो मेरी इनसे है उसको आपको दुनिया को दिखाने के लिए मैंने खुद से ये कपड़े पहन के इसलिए आया हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि हम ताहिर शाह साहब को खुदा न खास्ता किसी फन के लिए बुलाएं। ये हमारे भाई हैं और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ताहिर शाह साहब के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत। अब जरा से साहब से सवाल जवाब होगा। पहले तो मैं आपको बताऊं, RHR गोल्ड मेडलिस्ट विनर 2014, ब्रेकवे अचीवमेंट्स अवार्ड विनर कनाडा 2015, रिपब्लिक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 2014 UK और संगदूर ऑनरेबल सर्टिफिकेट विनर 2014 USA। और मैं इसलिए भी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा था कि मैं अपनी जाती बात आपको बताऊं, कभी कभी इंसान डिप्रेशन में होता है, तकलीफ में होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब मैंने ताहिर शाह साहब को देखा मैं डिप्रेशन से बाहर आया, मुझे खुशी हुई। आप कई लोगों को डिप्रेशन से बाहर लेकर आए। ताहिर शाह साहब कुछ लोगों से बात कीजिए, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए और ये जो एंजल है ये एंजल क्या है इसके बारे में बताइए प्लीज। एंजल ये अपने नाम में सारी चीजें खुद बयान कर रहे हैं और आपने जब ये आउटफिट आज पहना है तो दुनिया देख रही है मेरा पैगाम वो अपने आप में बयान हो रहा है। अच्छी बात ये है एंजल के बारे में, आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में एक मैसेज आता है दुनिया में जब ओवरसीज़ की आप बात करते हैं कि एक टेररिज्म के हवाले से, तासुब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन एंजल है आपके अंदर है, वो आपके दिल में है। इंसान के अंदर जो एक एंजल है, फरिश्ता है, आप उसको बाहर लेकर आइए, वो मोहब्बत की बात करेगा। क्यों हम बाहर मैसेज ऐसा देते हैं जिससे लगे कि हमारे साथ बहुत, मैं वो बातें नहीं बोलना चाहता हूं कि वो मुनासिब नहीं है, ठीक है, लेकिन इशारा नहीं सही, लेकिन ये कि हमसे बहुत सारी चीज़ें मंसूब कर दी जाती हैं कि
पाकिस्तान, वी आर प्राउड, वी आर अ पाकिस्तानी, हमें फखर है अपने मुल्क पर, बीन अ नेशन, हम एक कौम बने, हम मोहब्बत करें। यंग जनरेशन मुझे फॉलो करती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है, क्रिटिसिज्म भी होता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सब अपने हैं। अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उनसे मोहब्बत की बात कीजिए, देर दूर सही लेकिन मोहब्बत ज़रूर होगी। तो मोहब्बत जब हो जाएगी तो वो टेररिज्म, वो तासुब, वो नफरत, वो जो बाहर जा रही है इंसानियत की बात करना, इसी से जो रिलेटेड चीजें हैं वो खत्म होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। हमारा एक पैगाम जाना चाहिए कि इंसान के अंदर वो एंजल है, और ये जब इसकी आइडियोलॉजी पे, और जब मैंने ये सारी बातें लिखी और जब ये गाना मैंने बनाया, तो फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, इंसानियत अकेले में मोहब्बत की बात कर रहा है, फिर वो अपनी मोहब्बत से आश्कार होता है तो वो अपनी फैमिली कंप्लीट करता है, और जब औलाद उसकी जिंदगी में आती है, और वो जो औलाद है, वो जो प्यारा सा बच्चा है, वो हमारे ताहिर शाह साहब का एंजल है। बहुत सारी तारीफ इस प्यारे से मासूम से बच्चे के लिए, जो बहुत ही प्यारा, इतना क्यूट है, हमने जब उसको देखा बहुत प्यारा है उस पर। अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, हयात दे, और आपका साया उस पर तादेर सलामत रखे, और वो बहुत आगे जाए। ताहिर शाह साहब का एक पैगाम है, और वो अपने ही अंदाज में पैगाम पहले आपको सुनाएंगे, और उसके बाद डब्स मैश ताहिर शाह साहब के इसी एंजल पर हमारे यहाँ पर कुछ साथी हैं वो करेंगे, और फिर ताहिर शाह साहब फैसला करेंगे किसे इनाम दिया जाए। मैंने ताहिर शाह साहब आज पूरी दुनिया के सामने बता दिया है, अगर कभी मेरी जात से आपको तकलीफ पहुंची भी थी, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुझे माफ कीजिएगा। और मैंने इसीलिए ये ड्रेस पहना है पूरी दुनिया के सामने कि मैं अपने भाई को गले लगाकर अल्लाह आपको खुश रखे, और मैं दिल की गहराइयों से, सिद्क दिल से आपसे माजरत खाऊं अगर आपको कभी भी तकलीफ पहुंची हो। आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो प्लीज मैसेज जरूर दीजिए। मैसेज से पहले ये जरूर कहूंगा, एक फरिश्ता मोहब्बत प्यार की बात कर रहा है, वो फरिश्ता निखर कर सामने आया है। वी कैन ऑल बी एंजल्स, अ ह्यूमन लाइक एन एंजल शाइन्स एज अ स्टार, द एंजल करैक्टर इज स्पीक लाइक अ फ्लावर, The stars are decorated by angels like dew fills petals of a flower. All angels remain quiet like those flowers that persist silent but spare their essence and always reside jovial. Hum sab farishte ho sakte hain, ek farishta insaan sitaron se chamak rakhta hai, wah farishton se sifat phoolon se baatein karta hai, ye sitare फरिश्तों ने संवारे जैसे ओस भरी पत्तियां फूलों को फरिश्ते फरिश्ते सारे चुप ही रहते हैं उन फूलों की तरह जो खामोश रहते हैं पर अपनी खुशबू बिखेरते महकते हमेशा खुशी रहते हैं। वाह 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 वाह, एक दफा मेरी दरख्वास्त पर सिर्फ थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, हम म्यूजिक थोड़ा सा चलाते हैं सिर्फ आपके अंदाज में, बाकी फिर उसके बाद, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है जब आप शुरू में कहते हैं आई एम लाइक एन एंजल, बस वो सिर्फ एक थोड़ा सा गुनगुना दें, फिर उसके बाद ये डब्स मैश है, मेरी ख्वाहिश। वी कैन ऑल बी एंजल्स ऑलरेडी डन, प्लीज म्यूजिक थोड़ा सा। जी, मोहब्बत की बात है इसलिए मोहब्बत के लिए मोहब्बत का पैगाम है, कतई नजर इसके कि क्या हुआ और क्या होगा। आई एम लाइक एन एंजल, Mankind's angel, my heart is like a rose, mankind's soul, there is duration, by God, heaven on earth, mankind's angel. Thank you very much. And now, some dust mash. ताहिर शाह साहब के सामने पेश किए जाएंगे, और ताहिर शाह साहब ही इसका फैसला करेंगे कि किसने सबसे अच्छा किया। सबसे पहले आप, आपका नाम क्या है? जाहिद मीर। जाहिद मीर, माइक जी, जाहिद मीर साहब जी, जी जी, जरा डब्स मैश इनका पहले इनको सुनाया जाए। जी, एक दफा सब सुन लें क्योंकि उसके बाद आपने इसमें परफॉर्म करना है। वैसे मैं कैसा लग रहा हूं ताहिर शाह साहब? अच्छा, एंजल लग रहा हूं। दुनिया में आपको मैं ही एंजल बना सका। सही जी, चले।
and your eyes, colorful eyes, our eyes, fabulous, exciting eyes. ठीक है जी, अब आपका जब्ज में शुरू होता है, स्टार्ट. Good, 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 good. Second, जी, अब आप आइए. अब देखना है ताहिर शाह साहब को कौन मुतासिर करता है, क्योंकि ताहिर शाह साहब के ऐलान पर ही यूनाइटेड की बाइक दी जाएगी. जी, इनका डब स्मैश. Exciting eyes.